नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के राहतगढ़ में एक बहुत बड़ी अनहोनी टली। राहतगढ़ नगर के वार्ड क्रमांक 13 में दुलारे पिता सफी कुरैशी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। आज सुबह लगभग 6 बजे आवेदक आवासीय मकान की मियाल टूटने से छाई हुई फर्शियां अचानक गिर गई, जिससे आवेदक की सामग्री पलंग, अलमारी, कूलर एवं घरेलू उपयोग की सामग्री पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। क्षतिग्रस्त हुए मकान में लगभग 50,000 रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। इसको लेकर दुलारे पिता सफी कुरैशी ने राहतगढ़ तहसीलदार को आवेदन दिया है। वहीं आवेदक दुलारे कुरैशी ने बताया, मकान के अंदर 2 बच्चे थे जो बाल बाल बच गए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म 5 बार भर चुके हैं, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री आवास का मेरे घर में सर्वे नहीं हुआ। वहीं CMO BS चौहान ने बताया कि जिन मकानों की हालत खराब है उनके मालिकों को नगर पालिका से नोटिस दिए गए हैं। जो ज्यादा जर्जर मकान है उनको खाली करने की निर्देश दिए जा रहे हैं। जो मकान गिरा है उसका मुआवजा राशि तहसील कार्यालय से दी जाएगी। CMO BS चौहान ने बताया कि दोबारा उसका सर्वे करा लेंगे, लेकिन अभी तक हमारी सूची में नाम नहीं है। अगर आवेदक ने आवेदन दिया होगा तो उसको प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। अब आप सरकारी महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंदाजा लगा सकते हैं कि आवेदक ने 5 बार प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म जमा किए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री आवास का सर्वे नहीं हुआ। पीड़ित का कहना है कि जो लोग काबिल हैं उनका आज तक सर्वे तक नहीं हुआ, और जो प्रधानमंत्री आवास के काबिल नहीं है, जिनके बड़े बड़े व्यापार हर चीज से संपन्न है, उनको प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल रही है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। क्या घटना घटी? घर गिर गया, मियां टूट के नीचे गिर गई। कोई जनहानि तो नहीं? नहीं, 2 बच्चे थे, खाना खा रहे थे, बच गए। कुछ माली नुकसान क्या क्या हुआ? माली नुकसान हो गया, सोफा टूट गया, अलमारी टूट गई, कूलर टूट गया, और बर्तन भारे हैं जो दब गए छाव के नीचे। आवेदन दिया आपने? आवेदन तहसीलदार साहब को दिया है। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म जमा किया? किया, 5 बार किया, कोई सुनवाई है ही नहीं। अभी जो सामने दीवार दिख रही है, अभी बाद में बनाई? जी अभी बनाई, घर गिर गया तो रहने बसर करने को पनी तान दी। तो प्रधानमंत्री आवास में आपने फार्म जमा किया, कितनी बार जमा किया? 5 बार जमा कर दिया। अभी तक कोई आपका सर्वे नहीं हुआ? कोई सर्वे नहीं हुआ, जेब कहने नहीं आए, फोटो लेने भी नहीं आए, कहाँ से आए कोई पता ही नहीं है, जेब पूछे भी नहीं आए। सर, शहर में बरसात के चलते मकान गिरने के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपको? जो मकान मान लो जिसकी हालत खराब है, तो वो नगरपालिका से भी पहले कुछ लोगों को नोटिस दिए गए हैं जिनका जर्जर मकान है, तो अगर वो ज़्यादा जर्जर है तो उनको खाली करने के यहाँ से नोटिस दिए गए हैं। और अगर मान लो किसी का मकान गिरा है तो उसकी जो जो मुआवजा राशि के संबंध में आपने अभी बोला था जी, वो तहसीलदार कार्यालय से दी जाती है, यहाँ से उसका संबंध है। दुलारे कुरैशी का कहना है कि लगभग 5 बार मैं प्रधानमंत्री आवास का फार्म जमा कर चुका हूं, लेकिन आज तक सर्वे नहीं हुआ है। अब ये हम दोबारा उसका सर्वे दिखवा लेंगे, अभी तक तो उसका नाम हमारी सूची में नहीं है, हमने पता करा लिया है जी। और अगर उसने आवेदन दिया होगा तो उसको मिल जाएगी, मिलेगा। थैंक यू सर।